दोस्तों ये है 2024 मॉडल जावा की 42 और ये जो गाड़ी है भाई 300 सीसी वाली है और इस 300 सीसी गाड़ी में आपको 350 लेके 440 सीसी तक गाड़ी से ज़्यादा इसमें पावर पिकअप आपको मिलेगा। बाकी माइलेज भी आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है और गाड़ी आप देख सकते हैं समझ लो कि अर्बन क्रूज़र गाड़ी है जो कि इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है। इस गाड़ी का पूरा ऑन रोड प्राइस, माइलेज, फीचर्स और कम से कम डाउन पेमेंट भी हम आपको इस गाड़ी का बताने वाले हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस सेगमेंट में आपको ये कम से कम प्राइस में सबसे ज़्यादा फीचर मिलेगा। अब इसकी हेडलाइट आप देखिए, ये जावा की मोटरसाइकिल है और इसकी हेडलाइट आपको कुछ इस तरह से मिल जाती है सर्कल में। इसके अंदर ये पायलट लाइट और हेलोजन बेस पे यहाँ पर आपको बल्ब मिल जाता है 12 वोल्ट का 60x55 वाट का। और इसके अंदर इंडिकेटर जो आप देख रहे हैं ये बल्ब है, लेकिन आप डिज़ाइन देखो कितना स्मॉल सा, काफ़ी ज़बरदस्त वाइन इंडिकेटर और मजबूती भी बहुत तगड़ी मिल जाती है। और इसके अंदर सबसे खास बात है हैजार्ड स्विच मिलता है जो कि चारों इंडिकेटर एक साथ जलेंगे। नंबर प्लेट आपका यहाँ पर लग जाता है और इसके जो मडगार्ड है पूरा मेटल है लोहा और साथ में आपको अपर साइड पे यहाँ पर आपको रबर भी मिल जाता है यानी कि कवर यहाँ पर इस तरह से मजबूती आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टाइट किया गया है। फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक कुछ इस तरह से मिल जाता है जो कि 280mm का मिलेगा और डुअल चैनल ABS मिलेगा। अब ये चीज़ सबसे अच्छा है, बाकी रॉयल एनफील्ड की जो क्लासिक बुलेट आती है उसमें सिंगल चैनल मिलेगा लेकिन इस प्राइस में, ठीक है ना, इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। अब इसके अंदर देखें जो क्लासिक लीजेंड 42 यानी कि ये आपको जो देख रहे हैं ये जावा की है और जावा 42 क्लासिक लीजेंड बाइक है। देखो आप इसका पूरा पर लिखा रहेगा, फार ट्यूबलेस टायर मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, MRF का टायर है। साइज़ की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर साइज मिलेगा 90x90 सेक्शन के 18 इंच की एलॉय मिलेगी, वो भी डायमंड कट फिनिश पे, जावा की यहाँ पर भी ब्रांडिंग मिल जाती है एलॉय, इसके अंदर काफ़ी बढ़िया वाली मिल जाती है। इस तरह से आप पूरी डायमंड कट में एलॉय देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू शेप में, सबसे ज़बरदस्त रहता है। अब इस गाड़ी के अंदर देखिए अदर गाड़ी इस प्राइस में आपको रेडिएटर नहीं मिलेगा यानी कि लिक्विड कूल नहीं मिलेगा, इसके अंदर रेडिएटर के ग्रिल साथ में एयर एंड लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है। इंजन गार्ड कुछ इस तरह से मिल जाएगा, देख सकते हो डबल बैरल एग्जॉस्ट यानी कि इसके अंदर साइलेंसर डबल दिया गया इस गाड़ी के अंदर जिससे गाड़ी हीट नहीं होगी और माइलेज और पिकअप भी सबसे अच्छा रहेगा इस गाड़ी के अंदर, गाड़ी हीट नहीं होगी, ये चीज़ सबसे बढ़िया रहेगा इस गाड़ी के अंदर। और उसके बाद अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डायमंड कट में यहाँ पर इस तरह से फिनिश मिलेगा, इसके इंजन में यहाँ पर एक गार्ड दिया गया है और ये जो देख सकते हैं मैट ब्लैक फिनिशिंग पूरा रहेगा। इस तरह से आप ये गाड़ी पूरी देख सकते हैं, इधर भी साइलेंसर उधर भी, और ब्रेक लीवर देखते कितना अच्छा है, फोटोस कितना बढ़िया मिल जाता है। जावा 42 की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, ये मैट ब्लैक फिनिशिंग है रॉयल एनफील्ड क्लासिक के एकदम सेम टू सेम सेगमेंट में। 42 की ब्रांडिंग यहाँ पर मेट ब्लैक पूरा फिनिशिंग, 12.5 लीटर पेट्रोल आएगा इस गाड़ी के अंदर। जावा की यहाँ पर ब्रांडिंग मिलेगी, टैंक पैड पे यहाँ पर कुछ इस तरह से कलर किया गया, बाकी टैंक पैड नहीं है। और यहाँ पर देखिए मोटरसाइकिल से लिखा गया है जावा, फ्यूल टैंक का कैप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया रहेगा। इंजन के स्विच इस गाड़ी में मिल जाता है, ये 1000 स्विच है चारों इंडिकेटर के एक साथ जलने के लिए। यहाँ पर वारंट भी मिलेगा है, सेल्फ स्टार्ट कुछ इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से पूरा फुली डिजिटल मीटर, ट्रिप ट्रिप भी ऑडियो दिया गया है, गियर इंडिकेटर है, क्लॉक है, RPM यहाँ पर स्पीड बताएगा, साइड स्टैंड लगा है वो बता रहा है, यहाँ पर न्यूट्रल ABS यहाँ पर देखिए कार के जैसा। इसके अंदर एक चीज़ है कि इंजन में अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो ये आपका बताएगा, ये चीज़ सबसे बढ़िया दिया गया है। ये चीज़ यहाँ पर आप देखना भी यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, ये चीज़ सबसे बढ़िया दिया गया, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसके इंडिकेटर, न्यूट्रल, FI लाइट, पासिंग, ये सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी के अंदर पूरा फुली डिजिटल मीटर के साथ मिलेगा। ये आपका देखते हैं स्टील वाली फिनिश मिलेगी, यहाँ पर जावा की ब्रांडिंग कुछ इस तरह से मिल जाता है। और इसके अंदर भाई USB यानी कि मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन तो खैर नहीं दिया गया है, बाकी हाई लो बीम, टच सिग्नल, हॉर्न, पासिंग कुछ इस तरह से मिलेगा, इसके हैंडल बार और मिरर भी आपको बिल्कुल बुलेट वाले मिल जाते हैं। इस तरह से इसका रहेगा सेंट्रल कंसोल यानी कि फ्रंट का लुक, और 12.5 लीटर पेट्रोल आएगा। इस साइड का इंजन आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉर्न दिया गया है, यहाँ पर भी इंजन जो है काफ़ी भरा भरा। दूसरी चीज़ की इसके देखेंगे आप तो ये नहीं लगेगा आपको कि ये 300 सीसी की गाड़ी है, इतनी हैवी इंजन यहाँ पर बनाएगा। इसकी लाइफ जो है आपको पता है 1929 से ये जावा भाई आती थी, ओरिजिनल जावा यहाँ पर लिखा है, काफ़ी पुरानी कंपनी है और काफ़ी बढ़िया इसका पहले का भी गाड़ी आता था। तो गियर लीवर कुछ इस तरह से 6 गियर की गाड़ी है, 300 सीसी का इंजन आपको इसके अंदर मिलेगा और मैक्सिमम अगर पावर की हम बात करें तो इसके अंदर आपको 27.32 PS का पावर है और मैक्सिमम टार्क 26.84 NM का टार्क, 6 गियर की गाड़ी है, माइलेज आपको 40 का देने वाली है गाड़ी, ये चीज़ सबसे बढ़िया रहेगा। अब साइड प्रोफाइल यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, जावा 42 की ब्रांडिंग है, ये देखिए पूरा इस तरह से काफ़ी बढ़िया कलर रहेगा, ये आपका फाइबर, ये आपका मेटल रहेगा, फोटेज कुछ इस तरह से मिलेगा। इस तरह से देखिए यहाँ पर भी कवर दिया गया है, छोटी छोटी चीज़ों पर भी जावा ने काफ़ी अच्छा काम किया है, फोटेज देख सकते हैं। और इसका जो स्विंग आर्म है ये देखिए, ये चीज़ सबसे डिफरेंट लेवल का है। और इसके अंदर भाई देखिए ये आपका इस तरह से
एग्जॉस्ट मिलेगा, जो कि ये आपका एडजस्टेबल दिया गया है 5 स्टेप, और सस्पेंशन काफ़ी डिफरेंट लेवल का है। चेन कवर भी काफ़ी बढ़िया दिया गया है, मजबूती भी एक नंबर का रहेगा। चेन स्पॉकेट भी काफ़ी हैवी दी गई है ताकि आपकी लॉन्ग राइड भी बढ़िया रहे। यहाँ पर आपको पकड़ने के लिए दिया गया है और ये आपका सारी गार्ड रहेगा। सिंगल सीट इस गाड़ी का मिल जाता है, कुछ इस तरह से सीटिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है। रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आपको जावा मिलेगा लिखा हुआ। ये आपका रहेगा रैप फ्यूल टैंक से लेकर रियर तक। यहाँ पर एलईडी वाले टेल लैंप्स मिलते हैं काफ़ी यूनिक से डिजाइन के साथ। ये आपका ब्लिंकर रहेगा काफ़ी स्मॉल सा, छोटा सा, मस्त एकदम रिफ्लेक्टर और नंबर प्लेट यहाँ लगेगा। डबल बैरल एग्जॉस्ट यानी कि डबल साइलेंसर की गाड़ी है, कुछ इस तरह से आपको दिखेगी रियर से। भाई रोड पर निकलेंगे तो काफ़ी अच्छा ये लुक देने वाली है। और यहाँ से आप देखते हैं जावा 42 की ब्रांडिंग, सस्पेंशन यहाँ पर, यह रियर ब्रेक फ्लूड दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं 240 mm का रियर में रहेगा, इधर भी साइलेंसर और उधर भी साइलेंसर। देखिए पीछे की जो एलॉय है वो भी डायमंड कट में, क्लासिक लीजेंड 42। और टायर का जो साइज है रियर का वो भी MRF का ही टायर दिया गया है। और उसके बाद आगे से पीछे वाला टायर तो काफ़ी हैवी रहेगा ही, साइज है 120/80/17 का यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर भी आपका ग्रेवर मिलेगा, ये आपका मेटल लोहा रहेगा, तो मजबूती भी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है इस गाड़ी की। इस साइड से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लंबी गाड़ी दिखने वाली है और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया है। तो इस तरह से ये पूरी गाड़ी आपको मिल जाती है। और हैंडल लॉक यहाँ से दिया गया है भाई, और बिल्कुल पहले जैसा जैसे कि बुलेट में आता था यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इग्निशन यहाँ पर दिया गया इस गाड़ी के अंदर और हैंडल लॉक यहाँ से हो गाड़ी अलग अलग। चाबी कुछ इस तरह से मिल जाती है जावा की बेजिंग के साथ, काफ़ी बढ़िया। यहाँ से आप इग्निशन को ऑन कर सकते हैं, ये चीज़ सबसे अच्छा है जावा या HD में कि इग्निशन यहाँ से मिलता है, बाकी चाबी सब गाड़ियों में यहाँ लगता है, इस तरह से ऑन कर सकते हैं। तो काफ़ी डिफरेंस काम हुआ है जावा HD में, बिल्कुल अलग ही लेवल की गाड़ी है। अब हम थोड़ा सा और डिटेल्स की बात करते हैं इस गाड़ी का। सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस गाड़ी का वज़न, 182 किलोग्राम वज़न है इस गाड़ी का। हैवी गाड़ी है कि एकदम रोड पे चपक के चलेगी, बेहतर बढ़िया रोड पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। और व्हील बेस है 1369 mm का, सीट हाइट है 788 mm का, फ्रंट पर डिस्क ब्रेक 200 से पीछे 240 डुअल चैनल ABS के साथ। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 235,700 ऑन रोड प्राइस है इस गाड़ी का। माइलेज 40 का, 300 cc का इंजन। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।